कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा। दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, और इस वीडियो को मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, हर बंदे के पास ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी बनती है पहुँचाना, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों फेसबुक जो है वो आपकी डेटा को जो है लीक कर रहा है। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, कुछ भी ऐसा कोई फाइल आपके मोबाइल के अंदर है जो किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो फाइल्स ये फेसबुक जो है वो लीक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसे आप कैसे डिजेबल करेंगे, उसे बंद कैसे करेंगे, और ये जो है लीक करने का प्रोसेस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो गारंटीड कहता हूँ कि ये जो है वो ऑन होगा और आपका डेटा जो है लीक हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा, मोबाइल स्क्रीन पे ले चल के आपको दिखाऊँगा कि इसे कैसे डिजेबल कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं ये भी दिखाऊँगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन जो है फेसबुक उसके डेटा जो है वो लीक कर रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अपने डेटा को लीक होने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक जो है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। और नीचे आपको जब आप ऐसे आएंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल नीचे जाना है और यहाँ पे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़, क्लियर हिस्ट्री और मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने जो है अभी कुछ देर पहले जो है अपना फेसबुक का जो है वो क्लियर कर दिया है। मेरे मोबाइल के जितने भी ऐप्स थे लगभग सारे ऐप्स जो है ये फेसबुक जो है उसका इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप भी जब भी आइएगा तो सबसे पहले क्लियर हिस्ट्री कीजिएगा। तो क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करके जब क्लियर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसे क्या कीजिए, परमानेंटली ऑफ कर दीजिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में आपके कोई भी एप्स जो है वो ये यूज ना कर पाए। तो इसके लिए हमें सिंपल सा मोर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे एक और पेज खुल के आएगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर देते हैं। और यहाँ पे जो है एक्टिविटी यू वे टर्न ऑफ, तो इसी पे हम लोग ऐसे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए मैं फटाफट अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो डाल दिया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि इफ़ यू चूज द टर्न ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम एंड ऑफ फाइल वेबसाइट। दोस्तों अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़, इसे हम लोग के क्या करना है यहाँ से ऑफ़ कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन एक खुल के आएगा, पूरा एक पर डेटा उसके बारे में आपको बताएगा कि ये चीज़ हम लोग परमानेंटली हिस्ट्री जो है नहीं दे पाएंगे, मतलब बंद कर रहे हैं, और उसके लिए वो 48 आवर्स जो है टाइमिंग लेता है। उसके बाद पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक नहीं ले सकता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है हर एक आदमी के पास भेजिए, जो भी आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप पे जो भी कांटेक्ट है सभी के पास ये वीडियो आप पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने फेसबुक पे होने वाले डेटा को लीक होने से बचा सके, अपने फोल्डर को, अपने फाइल्स को जो है वो बचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो जो है अपलोड करता हूँ, आप लोगों को अवेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पूछे तो ऑल सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।